श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती भदै चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं नितो गतः। श्री भगवान इस 14वें अध्याय को, जिस अध्याय का नामकरण है गुणत्रय विभाग योग, इसके पहले 13वें अध्याय का नामकरण था इस 13वें अध्याय के पहले विभाग वाली कोई बात नहीं। जैसे अर्जुन विशार योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मसंयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गृह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, किंतु विभाग वाली बात नहीं आई। और 13वें अध्याय से श्री भगवद गीता इसको विभाग करने वाली बात कहते हैं, जरा विभाजन करो। तो 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करो कहता है। अब ये 14वें अध्याय में गुणत्रय, पहले मात्र दो का विभाग करो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, लेकिन 14वें अध्याय में और तीन भाग करो गुणत्रय। गुणों को तीन भाग में विभक्त करो, गुणत्रय विभाग हो। फिर 16वें अध्याय में पुनः विभाग आया, क्या है 16वें अध्याय का नामकरण? दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी संपदा का विभाग। फिर 17वें अध्याय में और विभाग आया, क्या है नाम? श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब श्रद्धा को तीन में विभक्त करो, यानी 17वां अध्याय, 16वां अध्याय, चतुर्दश अध्याय और त्रयोदश 13वां अध्याय, ये चार अध्याय विभाग के लिए। विभाग करो, विभाजन करो, विभक्ति करो। देखो भगवान की ये करुणा है कि यदि सच्चा साधक ग्रहण करने के उद्देश्य से भगवान के इस गीत को सुनेगा, क्योंकि भगवान ने अंततः मोक्ष संन्यास में कहा है कि न चाशु सुविश्वे वाचम, जो सुनना नहीं चाहता मत सुनाना, जो श्रद्धावान नहीं है उसे मत सुनाना,
जिसकी सुनने की इच्छा नहीं, ये कोई कहानी तो है नहीं। सुनो भाई, कोई कथा भी नहीं है कि सुनो जिससे पुण्य मिलेगा। जिसको साधक जीवन जीना हो तो उसके लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, उसके लिए बहुत बड़ी विरासत है। श्री भगवान कहना चाहते हैं कि भाई एक बात और सुनो। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्षामि। भूयः का मतलब होता है पुनरुक्ति, पुनः। व्याकरण में पुनरुक्ति को दोष माना गया है। भगवान कहते कि परम भूयः, भगवान ने भूय के 10वें अध्याय में भी कहा, भूय एव महाबाहो श्रुणि में। भूयः माने पुनः। अच्छा ठीक है, पुनः क्या सुनो, पुनः क्या कहना चाह रहे भगवान। प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्। क्या कहने वाले भाई? उत्तम ज्ञान कहने वाले। अब उत्तम ज्ञान भगवान ने कब कब कहा? तो 7वां अध्याय, 7वां अध्याय तो भगवान ने उसका नाम ही लिखा है, ज्ञान विज्ञान योगो, इसमें ज्ञान ही कहा है। ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम् तब भी कहा है, और 9वें अध्याय में भी राज विद्या राज गुह्यम् पवित्रम इदम उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। समस्त विद्याओं का गुह्य, ज्ञान का गुह्य भगवान ने 9वां अध्याय कह दिया। अब भगवान के भी 2 बार तो हो गया, इसलिए परम भूय। अब मैं जो बता रहा हूं ये परम है, और ज्ञानों में उत्तम है ज्ञानानां। जितने ज्ञान होंगे दुनिया में उन सब में उत्तम ज्ञान में अब मैं कहने वाला हूं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने इसके पूर्व कोई अधम ज्ञान या निम्न निम्न का कहा है, ऐसी बात नहीं है, किंतु साधक अपनी आशिकी इस तत्व ज्ञान के प्रति जताए और अपने कानों को अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करें, ताकि उत्तम ज्ञान नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, उत्तम ज्ञान क्या है भाई? तो हम में विराजने वाली जो प्रकृति है वह उसको 3 गुणों में देखो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। उस माया को ही 3 गुणों में देखो, गुणमयी। क्यों देखो? क्यों देखो? क्योंकि वस्तुतः हम सारे वही अधिकार रखते हैं। वेदांत कहता है कि तुम जिस काल को बंधन मानते हो वह काल भी तुम्हारा मुक्ति का है, किंतु ये गुणों के कारण अपने आप को आप आबद्ध मानते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम
आत्मा में कोई भेद नहीं है। उपनिषद में कहता द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा समान बावजूद भी सो माया एकनाथ जी तो कहते हैं, संत भगवान एकनाथ जी कहते हैं, जीव शिव दोनी हरि रूपी तरंग। और उपनिषद तो कहते हैं सयुजा मानो सायुज्यता, सालोक्य सामिप्य सारूप्य भले ही न हो लेकिन सयुज्यता उसके जैसे ही तुम हो, क्योंकि शरीर बदलते हैं किंतु आत्मा नहीं बदलते। जस की तस बनी होती है, तुम वही हो। श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा की आत्मा और ये कीट की आत्मा में कोई भेद नहीं बताओ, किंतु नष्टात्मा जीवात्मा दुरात्मा पापात्मा ये विविध आत्मा इसलिए बनी है। सो मायावसु भयउ गोसाधु, अपने आप को परवश मान रहा, अपने आप को माया के वशीभूत मान रहा, इतनी घटना। तू यदि न माने, देखो सारी हमारी मान्यताओं पे आधारित है। देखो ये कहावत है भाई, भले यहां लागू हो ना हो लेकिन कहते थे, ये कहावत है क्या, नंगे से आगे बोलो, नंगे से खुदा डरे का मतलब तुम यदि अपने स्वातंत्र पे आ जाए तो दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया चाहे जो भी समझे, हमको करना क्या, और प्यार किया तो डरना क्या। हालांकि प्यार नहीं है, वह तो मोह है, वह तो विकार का कीचड़ है, लेकिन प्यार शब्द भले ही लगा दो, लेकिन ऐसा कीचड़ वाला भी नहीं डरता तो शुद्ध प्रेम वाला कहां से डरेगा, कितना स्वतंत्र है। किंतु जीव यदि अपने आप को परतंत्र मानता है, ये मानता ही है, ये मान्यता ही है, कपिल जी अपनी मां देवहूति को कहते हैं बंधन मोच सब मन के माना, मन विगत
सोई मोछ बखान। कपिल जी कहते बंधु मोकु सब मन के माना, मोह विगत ती मोच बखाना। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाया विषया सक्तं मुक्ते निर्विषय स्मृता। क्या है बंधन? ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है सनत सुजाति अध्याय में कहा है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। सनत सुजाति अध्याय का प्रारंभ यही से हुआ है, प्रमाद ही मृत्यु है। तो हम मरण धर्मा क्यों बने? गुणों के वशीभूत होने के कारण मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं तो परम स्वतंत्र हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कौन है हमारे ऊपर? किंतु बता तो अनुभव करते हो ना, अरे हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन हम यदि अपनी करें तो लड़के बच्चों का क्या, अरे हम यदि अपने मन से करें इनका भी तो सोचना पड़ता है ना, अरे हम उधर तीर्थ यात्रा निकल जाए खेती का क्या, सोयाबीन का क्या? सोयाबीन कह रही आपको मुझे संभालो, अच्छा ये प्रपंच कह रहा हमको संभालो। सबकी अपनी अपनी तकदीर है, जो विदना ने लिख दिया छठी रात के अंक, तील घटे न राई बड़े रह रहे जीवने सब, किसी के तकदीर से हम नहीं लड़ सकते, नितान्त सत्य। फिर भी हम स्वातंत्र को नहीं पाते, इसका कारण यह है कि हमने ही मोह की उपलब्धि करा के मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीते पुनि उपजहि बहु सुख, हमने ही पैदा किया। अरे हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, तेरी कोई जरूरत नहीं, तू आज ही मर जा, ये सब जिंदे रहते, किसी को कोई जरूरत नहीं है। मराठी में कहावत है, गाड़ी पहुंच पाए अड़ते है ना, कहा गाड़ी दिसली की पाए दुखने शुरू होते भाई बैठने के, वरना चल रहा था सीधे सीधे ढंग से, पर गाड़ी पहुंच पाए अड़ते। ऐसे आप लोग यदि करने लग जाओ तो सारा आपके थोप देंगे, वरना किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत है। बावजूद भी हम ही अटके रहते हैं, हम जाएंगे तो इनका क्या, अभी जिसका उसका धोखा होते, किंतु हम है परम स्वतंत्र। ये भारत 47 को स्वतंत्र हुआ कहते, लेकिन उपलब्धि तो यह है कि हम जन्म से स्वतंत्र हैं। लेकिन सो माया बस भयं मुसाई बंधु कीर मर कट की नाय, हम ही बंध गए, कौन क्या कर सकता है। किसी ने पेड़ को पकड़ के रखा और आवाज लगाई, अरे भाई इधर आओ इधर आओ, तो वो कह रहा था मैं आता तो, लेकिन ये पेड़ हमें छोड़ नहीं रहा। पकड़ा किसने? पेड़ ने नहीं, पेड़ को हमने पकड़ के रखा है। और आवाज लगाओ तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई ये पेड़ छोड़े तब तो आए। अब मुझे बताइए पेड़ आपको छोड़ेगा कब, क्योंकि उसने पकड़ा ही नहीं है, उसने पकड़ा ही नहीं है। पुराने जमाने की घटना है ये, एक बहुत बड़ा महाराजा द्वार था, बहुत पुराना, 1897 का, और उसमें ताला जकड़ा हुआ था, ताले में भी पता नहीं सारा जंग लग चुका था, और राजा ने शर्त रखी जो ये ताला
खोल के ये दरवाजे के भीतर प्रवेश करेगा तो उसको इसकी जागीर दी जाएगी, जो भी ये दरवाजे को खोलेगा। तो सारे जागीर प्राप्त करने के लिए चाबियां बनाने लगे, ये चाबी लगे, वो चाबी लगे, ये चाबी लगे। शर्त तो इतनी है कि दरवाजा खोलकर जो भीतर प्रवेश करेगा उसको जागीर मिलेगी। सारे प्रयास करने लगे, चाबी नई नई ढंग से बनाने लगे, ताले को खोलने का प्रयास करने लगे। अब इतना पुराना ताला खुले तो कहां से एक होशियार व्यक्ति आया और उसने सिर्फ दरवाजे को धक्का लगाया, क्योंकि ताला सिर्फ टंगा हुआ था, दरवाजे को रोका हुआ नहीं था। सिर्फ उसने धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया, जागीर मिल गई। ये उदाहरण किसी और का नहीं है। जिस माया के ताले को हम खोलना चाहते, चाबियां बनाना चाहते, नाना प्रयास करना चाहते, साधना मात्र एक धक्के की है, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। इस बात को जब भी हम समझ लेंगे तो अपने श्रेयस मार्ग की ओर हम चलने लग जाएंगे। किसने रोका है, हम ही रुके हुए हैं। तो इन सबका त्याग करो, ये वाली बात नहीं। बात तो यह है कि मन से इन सबका त्याग करके अपना मन निश्रेयस में लगाए, अपने आत्मोद्धार में लगाए, क्योंकि लगाने क्यों नहीं देता। तो भगवान कहते इसीलिए तो ये ज्ञान हमें हो जाए। कौन सा ज्ञान हो जाए कि ताले की चाबियां बनाना निरर्थक है, एक धक्का लगाओ भीतर पहुंच जाओ। हम जो चाबियां बना रहे, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, कब से कर रहे हैं कि शायद ऐसा कर लेंगे तो सुख के दिन आएंगे और ऐसा कर लेंगे तो सुख के दिन आएंगे। कब से कर रहे हैं, जन्म से कर रहे हैं, मरे तक और खबर नहीं, अगले जन्म में भी इतना ही करेंगे। ताला नहीं खुल रहा और ताला खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ताला लटका हुआ है ही नहीं, तो ताला क्यों लगा दिख रहा है, इसका कारण ही माया है। सो माया बस रजत सीप महाभास दिनी जथा भानु कर काल मऊन सकई जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ी है कि बेचारी चेतना शून्य मात्र बनकर रह गई और जड़ ही सत्य हो गया। हालांकि जड़ सत्य नहीं है, उस चेतन का विलास है। बावजूद भी ये जड़ शरीर, जड़ बाहरी दृश्य भूत प्रकृति ही सत्य लगने लगी, वजह इतना ही है, माया उसी का नाम है जो नहीं है किंतु दिखाया। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान बताया और ज्ञानों में उत्तम है, इतनी छोटी सी बात आप ध्यान में रखो। कौन सी बात ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं जिस ज्ञान को कहने जा रहा हूं इस अध्याय का नाम है गुणत्रय। अब सबसे अधम गुण है उसका नाम है तमोगुण, मध्यम गुण है रजोगुण और उत्तम गुण है सत्वगुण।
अब ये प्रत्येक का अपना अपना निरीक्षण है। देखिए आपके शरीर में किस गुण की प्रधानता है, मत बताओ किसी, लेकिन तरीक इतना तो हमने अध्ययन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि मुझ में, क्योंकि आप कथा भी करते सुनते दिखते हैं, ध्यान भी करते दिखते हैं, पूजा भी करते दिखते हैं, इसके बावजूद भी सत्वगुणी हो ऐसा नहीं। गुण का अध्ययन बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है। आप कथा में तो बैठे हो किंतु मन हमारा कथा में बैठा है तो ही कथा में बैठे हो। आप पूजा में बैठे हो, आप ध्यान में बैठे हो किंतु क्या मन आपका पूजा में ध्यान में बैठा हुआ है? मन तो वही बैठेगा कि जहां गुण विद्यमान। बात ध्यान में आई? इसलिए हम जो कर रहे हैं वह कोई सतोगुण का परिचायक नहीं है। कई लोग आश्रमवासी बनते हैं लेकिन धन कमाने के लिए खबर नहीं क्या क्या कर लेते, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए आश्रम है। कई लोग साधु बने स्पर्धाओं के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। मुझे बताइए, अब साधु और आश्रमवासी तो सतोगुण का परिचायक है, बात को हकीकत है, लेकिन बावजूद भी हमारे हाथ में नहीं है, आपके मन के हाथ में है। तो अपने मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम, तो अपने मन को हमें ही ढूंढना है, हमें ही खोजना है कि हमारा मन किस गुण से अधिकतर भावित है। उन सतोगुण के लक्षण भगवान कहेंगे, रजोगुण के भी लक्षण भगवान कहेंगे, तमोगुण के भी लक्षण भगवान कहेंगे कि भाई तमोगुण किसे कहना चाहिए, रजोगुण किसे कहना चाहिए, सतोगुण की उपलब्धि कैसे और किस माध्यम से परिलक्षित होती है। तो भगवान कहते कि ये उत्तम ज्ञान। इतनी तीन बातों की जो उपलब्धि कर लेगा और कम से कम समझ लेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मुझ में यह गुण है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, किंतु आपके प्रकृति की गुणाधिक्यता किस गुण के द्वारा भावित है। क्योंकि पुनर्जन्म अथवा यह जन्म का सुख दुख कारण गुण संगो अस्य सदसद्योनि जन्मसु। जिस बात का संग होता है अर्थात आसक्ति होती है वही गुण हमारी वृत्ति पे विद्यमान है ऐसा मानना चाहिए। जो विचार हमें बार बार बाध्य करते हैं, जो आचार हमें बार बार बाध्य करता है, सत्संग में सत्संग की विचार ना कम करेंगे लेकिन और बातों में ज्यादा रहते हो तो जरा सोचो, कोई झगड़े वाली बात है, कोई कलह वाली बात है, कोई अरेंजमेंट वाली बात है। किस बात में अरेंजमेंट वाली बात है तो समझना चाहिए कि रजोगुणी मन है, और झगड़े वाली कलह वाली बात है तो समझना तमोगुण प्रयास कर रहा है। किंतु दोनों जिसको पसंद नहीं है, अब अलग से चुनाव करने की जरूरत नहीं, सतोगुण आ जाएगा। रजस्तमश्चा अभिभूय सत्वम भवति भारत। यदि झगड़े कला आपको पसंद नहीं है और अरेंजमेंट नियमन नियंत्रण नियोजन भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ये भी तो लफड़ा है, ऐसा रख रखा करो, फला करो, ठीका करो, ये सब नियोजन करना भी रजोगुण है। तो अच्छा है तम से रजोगुण, झगड़े कला से कर्कशता से रजोगुण अच्छा है, किंतु इस रजोगुण से भी उत्तम है सतोगुण, जिससे कि साधक स्वर्ग की यात्रा करता है। तो भगवान इस 14वें अध्याय को ज्ञानों में श्रेष्ठ कह रहे, ज्ञानानां ज्ञान उत्तम। इसलिए 14वां अध्याय बहुत श्रवणीय है क्योंकि यह भगवत वाणी है। आप किसको सुनोगे? उत्तम ज्ञान को।
अच्छा अभी तक जितना ज्ञान सुना है उन सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान होगा कि हम अपने ही प्रकृति के गुणों को परिलक्षित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हम नहीं जानते। अरे हमारा चेहरा कैसा है जानते हो? लोग कहेंगे तुम बहुत सुंदर हो। दशरथ जी को ऐसे ही तो लोग कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े युवा हो। तो दशरथ जी ने अयोध्या कांड में राज सिंहासन पर बैठकर एक गुस्ताखी कर दी। हालांकि राज सिंहासन पे ये काम नहीं करना चाहिए। क्या देखा उन्होंने? अपना चेहरा दर्पण में देखा। ये तो घर में देखने की चीज है या सिंहासन पे देखने की चीज? अरे जेब में कंघी रखना और बार बार अपने बालों में घुमाना, ये किसी हुचक्के का लक्षण है या बड़ी सभ्यता का लक्षण है? ऐसे ही आईने में अपने चेहरे को देखना और वह भी राज सिंहासन पे। एक समय सब सही समाजा स्वभाव था, मुकुर को हाथ में लिया। राज सुहाय ने क्या बताया? महाराज तुम जवान नहीं हो, बुढ़े होने को है। श्रवण सलीप भय सीत की सा मानव जगत पर अस उपदेशा। दुनिया तो बोले ये तेल खराब निकले है इसलिए बाल सफेद हुए, अभी आपकी उम्र ही क्या है। हम गोदरेज का पाउच ले आते महाराज, थोड़ा काला कर दो, तुम जवान दिखने लग जाओगे। सारी दुनिया कहती कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन बाल कानों के पास सफेद होकर कह देते हैं कि भाई सबक इबादत का सीख बंदे, ये बालों की सफेदी से। ये बाल अपने सफेदी से कह देते हैं कि भाई जब तक हम काले थे बहुत काले धंधे किए, अब कान में बाल कह रहे कि हम सफेद हो गए, अब जरा तुम भी अच्छे काम करना शुरू कर दो। इसलिए बुढ़ापे के बाल सबसे पहले कान के पास में बनते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं, ये बुढ़ापे के समझना। और इधर उधर यदि काला होता है तो समझना चाहिए ये हीट के लक्षण है, बीमारी के लक्षण है, विटामिन ई की कमी है, तब तो दवाई लो। लेकिन कान के पास यदि बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब यमराज दस्तक दे रहा है, अब भगवान में मन लगे तो बहुत अच्छा है, बात गई। अब थोड़ी रही है, थोड़ी भी ऐसी विदान हो जाए, इसलिए क्षण भी प्रथान करके भगवत भजन, भगवत भाव, भगवत सत्संग बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत बोला, बहुत सुना,
इसलिए समय पे भगवान कान ले जाते, समय पे भगवान आंख ले जाते, समय पे भगवान दांत ले जाते। इसलिए ले जाते कि दांतों को कहते बहुत खाया, कानों को कहते बहुत सुना, आंखों को कहते बहुत देखा, अब ध्यान करो। दांत कहते अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कान कहते अब अच्छा है कोई निंदा करे आपकी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। अब क्यों मशीन लगाते हो, क्यों ऑपरेशन करते हो, क्यों बत्ती से लगवाते हो, क्यों डाई करते हो? कितना बढ़िया बताते हैं, अरे तुम लाख डाई करो लेकिन बराबर 8 दिन डाई ना करो तो सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा कहता है कि मैं छुपा नहीं है, मैं आ रहा हूं, खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज की फूलों से। तो श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो राजा दशरथ ने भी एक बार किसी दुनिया को न पूछते हुए अपने मन रूपी दर्पण में देख लिया और सोच लिया कि अब तो समय राम को हृदय सिंहासन पे बैठाने का है, अब काम को नहीं राम को। और दशरथ जी विदा लेना चाह रहे हैं। तो जब हम अपने मन के गुणों का निरीक्षण करें यह सबसे उत्तम ज्ञान। दुनिया सूझने नहीं देगी कि तुम क्या हो, दुनिया के तो उपयोग में आते हो। गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देता, कब देता, 58 में या 60 में। क्यों रिटायरमेंट देता, क्योंकि गवर्नमेंट कहना चाहता है कि अब तुम हमारे कोई काम के नहीं रहे, अब तुम्हारी खुर्ची खाली करो, अब तुम बेकाम हो गए हो, अब काम का टेंशन मत लो, सिर्फ पेंशन लो। गवर्नमेंट कहता है अब हमारे काम के नहीं है, लेकिन लड़के कहते हमारे तो काम के हो आप। वो कहता हम आपकी सेवा करेंगे, वो कहता हम आपकी सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे, अरे बुढ़ा खांसता भी रहेगा तो कुत्ते हका लेगा और पेंशन तो घर आएगी। पेंशन कहीं घर में तो आने वाली है ना, इसलिए बुढ़े की सेवा करना चाहेंगे। तो प्रत्येक वृद्ध, वृद्ध उसे कहते कि जिसे ज्ञान हो गया वह वृद्ध है, जिसको ये बात समझ में आ गई वह वृद्ध है। तो भगवान ये कहना चाहते कि भाई मैं तुम्हें 14वें अध्याय में उत्तम ज्ञान कहने वाला हूं। उत्तम ज्ञान किसका परिलक्षण है कि तुम अपने मन पर वृत्ति पे बैठे हुए गुणों को पहचान सको, बस यही उत्तम ज्ञान है। तुम पहचान सको, हम समझते ही नहीं, हमको लगता है कि हम साधु हो गए, हम आश्रमवासी हो गए, हम अरे हमारी पूजा नहीं करते, हम ऐसे, अरे तुम कहां के क्या हो, तुम ऐसे हो कि तुम कुछ नहीं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तुम कुछ नहीं है। ये सारा भगवान का खेल है और इस खेल में आपका भी कहीं मेल है, बस इतना ही भर है। अपना तेल मत बनाओ, यही अच्छा है। कबीर कहते मेरे चामड़ी के पुतले भजन कर ले बहुत है, भजन में मन लगा, ये सत्य है। तुम कुछ नहीं हो, तुम एक फालतू की चीज हो, तुम एक बेकार की चीज हो। कब, जब तक भगवान में मन ना लगे, मन ना लगे। बहुत लगाया मन दुनिया, अब सावरिया को अपना बना कर देखो, सावरिया को अपना बना कर तो देखो, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, दुनिया को अपना बना कर तो देखा। राजेश्वरानंद जी कहते हैं अब सावरिया को अपना बना।
अभी तक दुनिया को नहीं समझे, मराठी मंत्र सीता वरुण भाता की परीक्षा, चावल के एक दाने से परीक्षा हो जाती, ऐसे छोटे छोटे अनुभवों से संसार की परीक्षा कर लेना। जब से देखा है बेवफा दुनिया को, जब से देखा है बेवफा दुनिया को, तब से दिल नहीं चाहता अब किसी से दिल लगाने का। एक कहता यार मेरा दिल टूट गया, तो तूने पागल भरती जगह दिल क्यों दिया? ज्ञान टूट जाता, दिल के टुकड़े हजार हो जाते। ऐसे जगह दिल दे कि ताकि दिल ना टूटे। इस स्वार्थ की दुनिया में दिल लगाना चाहता, स्वार्थ की दुनिया में दिमाग लगाओ, दिल और दिमाग से दुनिया चलती है, लेकिन दुनिया दिमाग से चलती दिल से नहीं। दिल परमात्मा को अर्पण करें, दिल को सलामत रखें। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उसे मन के अंदर बिठा कर धारे हुए अवध में धनुषवान धारे हुए, वही वृंदावन में मुरली बजाए, वही वृंदावन में मुरली बजाए, वही राजेश्वर है वही योगेश्वर है, पर दादुई का पिता कर तो देखो, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, अब सवरिया को अपना बना कर तो देखो। तो भाई भगवान कहना चाहते हैं कि प्यारे साधक, ये माया ने अर्थात गुणों ने हमको खा डाला। गुण कहते हैं, माया कहती है, मन कहता है, वृत्ति कहती है कि तुम सद्गुणी हो, लेकिन भगवान कहते उत्तम ज्ञान वही होगा कि हम अपने मन का निरीक्षण करके किसी को मत कहे, लेकिन इतना समझ ले कि हमारी वृत्ति में किस गुण की प्रधानता है। इसलिए किस गुण को किस लक्षणों से जाना जाता है, भगवान इस बात को यहां कहेंगे। तो भगवान कहते परम भूय प्रवक्षानि, मैं पुनः तुम्हारे प्रति कहता हूं क्या, ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनय सर्वे, सारे मुनियों ने इसी को जानकर पराम सिद्धिम मितो गता, इसी ज्ञान को जानकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। श्री भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान।